राज्यपाल या प्रभु को भी चर्चा के रूप में अंगीकार कर रहा है। अभी आप मानेश्वर और स्विट्जरलैंड में भी गए थे, वहां के लोगों ने भी आपको जो है चाचा जी स्वीकार किया और आप पूरा का पूरा देश आज जो है आपको जो है चाचा के रूप में नेतृत्व करने के लिए आपको आह्वानित करना चाहता है। मैं चार पंक्तियों के साथ आपको आवाज देना चाहता हूँ कि याद मुर्दन भी शहीदों को दिला देती है, याद मुर्दन भी शहीदों को दिला देती है, हुस्न और इश्क को बेमिस्र बना देती है और संग मरमर की तरह पाक मोहब्बत हो तो एक दिन जमी पर ताज बना के दिखा देती है। मित्रों, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अब जनता के बीच में प्यार होंगे माने सुमाने। राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय जी, समाजवादी नेता और समाजवादी सर्कुलर मोर्चा के सीनियर प्रवक्ता सीपी राय जी, अपर्णा जी और शेष भी 24 पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुत सीनियर लोग भी हैं इसमें, इनको हम कभी चाय पर बुलाएंगे, बहुत जल्दी बुलाएंगे। बहुत लोगों को अभी हमने पहचान नहीं पाया है, बहुत से हमारे पुराने साथी भी हमारी पार्टी में काम भी किया है। तो सबसे पहले हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं और इसलिए स्वागत करते हैं, वैसे तो पंद्रमा गोपाल राय जी ने जो उनकी पार्टी है स्थापना दिवस पर हम सब लोगों को बुलाया है, हम सब लोग उनके बहुत आभारी हैं और आभारी इसलिए भी हैं, ये जो ये ऐतिहासिक ऑडिटोरियम भी है जो सामने एक मूर्ति है जो सुरैया जी की, ये भी एक ऐतिहासिक पुरुष थे, इंजीनियर थे, बहुत बड़े इंजीनियर थे और उन्हीं की वजह से आज हमारे देश में जो इंजीनियरिंग ने हमारे देश को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया है, सड़क से लेकर के निर्माण कार्य से लेकर के, और वो जो इंजीनियरिंग की वजह से चाहे हवाई जहाज से लेकर के छोटी छोटी चीजों बना करके हमारे देश को बहुत आगे पहुंचाया है। और हम जानते हैं कि आज का जो ऐतिहासिक दिन है और जो ऐतिहासिक क्षण है तो ये तो कभी कभी ऐतिहासिक क्षण होते हैं और आज एक बड़ा फैसला लेने का ये दिन है, क्षण है और बड़े बड़े फैसले भी हो रहे हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी ले रहे। अभी कुछ भी एक बड़ी जिम्मेदारी लोकबंधु किसका नाम था, राधाराम जी का, और राधाराम जी किसके प्रतीक थे, क्रांति की के प्रतीक थे, संघर्ष के प्रतीक थे। तो ये तो बड़ी जिम्मेदारी है, संघर्ष की जिम्मेदारी है, क्रांति लानी है, परिवर्तन लाना है, तो ये जिम्मेदारी परिवर्तन लाने की है। जिम्मेदारी तो अभी हमें जो तिब्बत के लोग भी आए थे, चार सांसद आए थे, उन्होंने भी ये जिम्मेदारी दी है, उन्होंने जिम्मेदारी दी है कि लोहिया जी और चाहे खंडा जी ने जो तिब्बत की लड़ाई को तिब्बत को आजाद करने के लिए जो फैसले लिए थे,
तो उसकी जिम्मेदारी भी वो लोगों ने ले ली। दो जिम्मेदारी आज मिलने जा रही है, तो जिम्मेदारी तो मिल रही, तो इसके लिए तो शक्ति भी चाहिए। और शक्ति तो आप लोगों की शक्ति और आप लोगों के पास वो शक्ति है, तो आपको वो शक्ति भी देनी पड़ेगी। और शक्ति अगर देते हैं तो जो आपके मन में है, जो आपके हमारे पूर्वजों के कुछ सपने भी थे, जो हमारे देश को जिन्होंने आजादी दिलाई, जो शहीद हुए उनके भी मन में कुछ सपने, हमारे हिंदुस्तान को वो बहुत बड़ा और बहुत महान बनाना चाहते थे, तो ये भी जिम्मेदारी हम सब लोगों की है, उन सपनों को हमें पूरा करना है और परिवर्तन लाना है। और आज जो लड़ाई है, किसकी लड़ाई है? किसान, नौजवान, मुसलमान और मेहनत मजदूरी करने वाले जो लड़ाई है, तो इसी के लिए हमें क्रांति फूंकना है, परिवर्तन लाना है। और निश्चित अगर हम सब लोगों ने आज ये फैसला ले लिया और हम लोग एक हो गए, तो निश्चित है हम परिवर्तन ले आएंगे। 2022 में क्या, हम 2019 में ही परिवर्तन ला सकते हैं। 2019 में शुरुआत हो जाना चाहिए। जो जिम्मेदारी दी है, हम आपको भरोसा दिलाते हैं, हम आपको आपने जो बातें कही हैं और आपके जो मन में है, इतने हम भरोसा गोपाल राय जी देना चाहते हैं। आपके हर कदम पर हम आपके साथ हैं और साथ रहेंगे। और निश्चित 2022 में ही नहीं, 2019 से ही हम परिवर्तन ला देंगे। अगर हम सब लोगों ने मिलकर के ये चले जाओ यार, अरे मोबाइल से क्या मदद, वहां सरदारों से जो विश्वास उठ चुका है वो विश्वास फालतू बैठे नहीं उठने देंगे। परिवर्तन लाने के बाद ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को आभार, धन्यवाद, जय। मोर्चा के सीनियर प्रवक्ता सिपी राय जी, अपर्णा जी और शेष भी 24 पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुत सीनियर लोग भी हैं इसमें, इनको हम कभी चाय पर बुलाएंगे। बस हो गया, नीचे करो, बहुत जल्दी बुला। सुरेश भाई, बहुत लोगों को अभी हमने पहचान नहीं पाया है, बहुत से हमारे पुराने साथी भी हमारी पार्टी में काम भी किया है। तो सबसे पहले हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं, और इसलिए स्वागत करते हैं, वैसे तो चंद्रमा गोपाल राय जी ने जो उनकी पार्टी है स्थापना दिवस पर हम सब लोगों को बुलाया है। हम सब लोग उनके बहुत आभारी हैं, और आभारी इसलिए भी हैं, ये जो ये ऐतिहासिक ऑडिटोरियम भी है जो सामने एक मूर्ति है जो सुरैया जी की, ये भी एक ऐतिहासिक पुरुष थे, इंजीनियर थे, बहुत बड़े इंजीनियर थे, और उन्हीं की वजह से आज हमारे देश में जो इंजीनियरिंग ने
हमारे देश को बहुत ऊंचाई तक पहुंच गया है। सड़क से लेकर के निर्माण कार्य से लेकर के और वो जो इंजीनियरिंग की वजह से चाहे हवाई जहाज से लेकर के छोटी छोटी चीजों बना करके हमारे देश को बहुत आगे पहुंचाया है। और हम जानते हैं कि आज का जो ऐतिहासिक दिन है और जो ऐतिहासिक क्षण है तो ये तो कभी कभी ऐतिहासिक क्षण होते हैं। और आज एक बड़ा फैसला लेने का ये दिन है, क्षण है और बड़े बड़े फैसले भी हो रहे हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी ले रहे। अभी कुछ भी एक बड़ी जिम्मेदारी बोलती हूँ कि एक बहुत अच्छी कहानी है। हमारा जो मानव दिमाग है वो कहानियों से बहुत जल्दी सीखता है, तो बहुत लोगों ने बहुत से अच्छे अच्छे प्यारे विचार रखे हैं, क्रांतिकारी विचार रखे हैं, ऐसे विचार रखे हैं जो कि जोश में आपको भर दें और रणभूमि में यानी कि पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से आप जब लोकतांत्रिक समस्याओं लोकतंत्र के बारे में जब आप सोचे समझे तो आप कुछ, मुझे लगता है कि आप लोग जब दूसरे लोगों को बताएंगे तो उनमें भी ये सेंस डेवलप होगा कि अच्छे लोगों को चुन करके लेके आए, उनको अपना नेता चुने। मैं एक ही कहानी बताना चाहती हूँ, ये बहुत जो राजनीतिक शास्त्र पढ़ते होंगे उनको तो बहुत पता है, हमारे दीपक मिश्रा जी जो कि मुझे लगता है राजनीतिक शास्त्र में बहुत परिपक्व हैं और उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से सबको हर्ष और उल्लास से भर दिया, यहाँ पे जोश से भर दिया। मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक कहानी जिसमें एक राजा था एक रानी थी, उसकी प्रजा बहुत जैसे हमारी आज की हालात है, भारत की जो हालात है वो उसी से मैच करती है। उसमें कहा वहां पे भूखमरी हो गई और भूखमरी ऐसी कि खाने के लिए एक एक कहीं दाना भी नहीं था, सूखा पड़ गया। वहां पर जब वो लोग गुहार लगाने गए, प्रजा जैसे आज हम गुहार लगा रहे हैं वैसे प्रजा उन राजा और रानी के पास गई, उन्होंने कहा कि हमारे पास मेन साहब रोटी नहीं है खाने के लिए। उन्होंने कहा अरे तुम्हारे पास रोटी नहीं है खाने के लिए, जाओ ब्रेड खा के आओ, ब्रेड मक्खन खा लो, हम तो ब्रेड मक्खन खा रहे हैं, हम तो अपने मेहनत में ब्रेड और मक्खन खा रहे हैं, तुम्हारे पास रोटी नहीं है कोई बात नहीं, तुम जो है जाओ। और वो कहा फिर प्रजा ने गुहार लगाई कि साहब हमारे पास पानी नहीं है पीने के लिए, आप सोचिए कि किस प्रकार के जब पानी जल ही जीवन है हम कहते हैं और हमारे पास पानी नहीं है पीने के लिए। जब प्रजा ने ये चिल्लाया तो राजा ने कहा अरे पानी नहीं है तो क्या हो गया, जाओ दूध पी के आओ। तो आपको कुछ अपने से सार्थकता लगी इस कहानी की? ये फ्रांस की एक लड़ाई थी जिसे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं और आज हमारे भारतीय तालिका में भी इसी प्रकार का हाल हो रहा है, किसान मर रहा है, जवान मर रहे हैं और अगर हमें अपने बेटों को अपने बच्चों को इसी प्रकार से शहीद करना है तो इससे अच्छा तो ये रहेगा कि उनको खड़ा करके गोली मार दें। मगर आज अगर हम सब यहाँ पर 24 राजनीतिक दल की बैठक बुलाई गई थी, अभी दीपक जी ने बताया कि 40 दल आ गए और भी आ जाते अगर उनको निमंत्रण भेजा जाता या उन्हें पता चलता, तो मैं आपसे बस इतनी ही गुजारिश करूंगी कि सब अगर एक साथ इकट्ठा हो जाएं, क्योंकि एक मुट्ठी अगर बन जाती है तो वो शक्ति हो जाती है और शक्ति की उपासना के ही दिन चल रहे हैं, नवरात्र का ही समय चल रहा है। सबसे अच्छी बात है कि हम सब शक्ति के उपासक हैं, शक्ति को इकट्ठा करें और इस दल को मुझे लगता है बल में बदल दीजिए, अलग